न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा जल्द बनेगा अयोध्या में राम मंदिर। कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई और उसमें आ रही बाधा को दूर कर वे पहुँच रहा है मंदिर निर्माण की तरफ। अज्ञात पिकअप ने एक बाइक पर सवार चार युवकों को मारी जोरदार टक्कर। समय रहते पीआरवी के जवानों ने घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। हालत गंभीर, डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज किया रेफर। पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करने वाले बेखौफ पशु तस्करों की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा पशु तस्करों को पकड़ने के लिए गठित की गई है स्पेशल टीम। खोराबाद पुलिस ने वाहन चोरों के शातिर गैंग का किया पर्दाफाश। एएसपी सीओ कैंट रोहन प्रमोद पोत्रे ने किया खुलासा। सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालु करेंगे बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक। नगर आयुक्त ने कहा मंदिरों में है साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, नहीं होगी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत। ओवरलोड वाहनों पर चला जिला एवं पुलिस प्रशासन का डंडा। एक वाहन चालान तथा तीन वाहन खोराबार थाने में किए गए बरामद। वीप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा विश्व हिंदू परिषद करेगा अपने संगठन का विस्तार। 11 जिलों में 80,000 लोगों को है संगठन से जोड़ने का लक्ष्य। रक्तदान के साथ मनाएगा गुरु नानक देव व भगवान वाल्मीकि की जयंती। तिवारीपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर रिंकू को किया गिरफ्तार। सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा लूट, हत्या, चोरी और अपहरण के संगीन धाराओं में दर्ज हैं 2 दर्जन मुकदमे। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिले के सभी पुलिस चौकी प्रभारियों की बैठक। पुरस्कार घोषित वांछित व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा लंबित विवेचनाओं के निस्तारण के दिए निर्देश। एएसपी सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने खोराबार थाने का किया औचक निरीक्षण। थाना परिसर में साफ सफाई और कार्यालय में रखी गई फाइलों को मेंटेन करने के लिए दिए निर्देश। पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने किया पौधारोपण। महापौर ने कहा सिर्फ पौधे लगाए ही नहीं बल्कि उन्हें बचाएं भी, जिससे शहर बन सके स्वच्छ और सुंदर। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सभी थानों के हेड मुरारी एवं कांस्टेबल क्लर्क की बैठक। पीड़ितों के साथ उचित व्यवहार किए जाने सहित दिए अन्य आवश्यक दिशा निर्देश। मधुमेह सहित अन्य बिंदुओं पर संपन्न हुआ गोरखपुर प्राइवेट चिकित्सक संगठन का वार्षिक वैज्ञानिक संगोष्ठी। विभिन्न बीमारियों के वैज्ञानिक पद्धति पर भी चर्चा। चिकित्सकों ने रखे अपने विचार। यूपी पुलिस की डायल 100 की गाड़ियों का एसएसपी ने किया निरीक्षण। कहा बेहतर सेवा और रखरखाव वाले चालकों को किया जाएगा पुरस्कृत। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से वीप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के निधन पर व्यक्त किया शोक संवेदना। कहा राजनीति की अपूर्णीय क्षति है शीला जी का निधन। और इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर होराइजन के तत्वावधान में राखी तीज मेले का हुआ आयोजन। अनाथ बच्चों से कराया गया वृक्षारोपण। विभिन्न जिलों और प्रदेशों से आए लोगों ने लगाया स्टॉल।